कैसे हैं आप लोग, आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वीवो वाई थ्री एस के अंदर हम किस प्रकार से हमारे जो फोटो और वीडियोस है उसको हम हाइड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो आपको इस फ़ोन के अंदर सिंपल सा कुछ नहीं करना, आपको एक एप्लीकेशन देखने को मिलता है फाइल्स के नाम से आपके फ़ोन के अंदर, ठीक है। सिंपल सा आपको वही एप्लीकेशन यूज़ करना है। ओके, तो चलिए हम यूज़ कर लेते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे एक फाइल का एप्लीकेशन है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो गाइस आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये फाइल्स वाला सेक्शन आपको ऐसा देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेव फोल्डर का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे गाइस आपको बोलता है पासवर्ड सेट करने के लिए, अगर आपने पासवर्ड सेट करके रखा है तो अच्छी बात है, बट अगर मैं यहाँ पे सेट करके रखा है तो मैं इसको कन्फर्म कर देता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे सेट करने के लिए बोलेगा। तो ये है मूव एनी फाइल्स वन टू कीप प्रोटेक्ट, यहाँ पे आप वही फाइल रखें जो आपको मतलब प्रोटेक्ट रखनी है। चलिए यहाँ पे हम कुछ इमेजेस हाइड करनी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि फोटो हाइड हो जाए तो यहाँ पे इमेजेस पे आपको क्लिक करना है। ये कुछ हमारे फोटोज़ हैं तो चलिए इनको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने ये दो फोटो सिलेक्ट कर लिए हैं और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा थ्री डॉट, इस पर आपको क्लिक करना है और मूव टू सेव फोल्डर पे क्लिक कर लेना है। इसको आप यहाँ से कन्फर्म कराएंगे, ठीक है गाइस। तो आपके ये जो तीन जो फोटो थे ये मूव हो चुके हैं, थ्री फाइल्स मूव्ड। आप चाहें तो एक बार जाके चेक कर लेते हैं इसको यहाँ पे सेव फोल्डर के अंदर। आपको पासवर्ड कन्फर्म कराना है और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके तीनों फोटो हाइड हो चुके हैं। इसी टाइप से आप अपनी वीडियो को भी हाइड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ से कोई भी एक वीडियो ले सकते हैं आप और उसको भी आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं। ओके गाइस, तो चलिए यहाँ से हम एक वीडियो ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इस वाली वीडियो को हाइड करूँगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे मूव टू सेव फोल्डर पे क्लिक कर लेते हैं, कंफर्म करेंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे मूविंग फाइल हो गई हमारी और हमारी फाइल यहाँ पे हाइड हो चुकी है, जाके हम चेक कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो तीन फोटो एक वीडियो हो गई है। तो गाइस इस प्रकार से आप ये कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।